नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 वर्सेस पोको C61 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 20 में 6.44 इंच जबकि C61 में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 20 में 2.98 इंच जबकि C61 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 20 में 194 ग्राम जबकि C61 में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि स्पार्क 20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 20 में 6.6 इंचेस जबकि C61 में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 20 में 720x1612 PX HD जोड़ और C61 में 720x1650 PX HD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 20 में 84.98% जबकि C61 में 83.34% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 20 में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C61 में 268 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 20 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और C61 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो स्पार्क 20 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C61 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C61 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो स्पार्क 20 में माली G52 MC2 जबकि C61 में पावर VRGE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 20 में MediaTek Helio G85 और C61 में MediaTek Helio G36 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है जबकि C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पार्क 20 में एंड्रॉइड V13 जबकि C61 में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 20 में 4 कलर्स जबकि C61 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें C61 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹6,499, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 20 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में स्पार्क 20 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M15 5G है, दूसरा वीवो Y18 है, तीसरा टेक्नो पोवर 6 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।